वर्ष 2022 का विजडन T20 आई खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? सही जवाब है हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में AI मॉडल TruthGPT लॉन्च किया है? सही जवाब है एलोन मस्क। किस कंपनी ने ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के लिए व्हील्स ऑन वेब नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही जवाब है टोयोटा। कौन सा राज्य अज्ञात निकायों के लिए DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। भारत ने महिला अधिकारिता के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन इकाई को कितने डॉलर का योगदान दिया है? सही जवाब है 500,000। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन@50 नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है बोरिया मजूमदार। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? सही जवाब है 6,003 करोड़ रुपए। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए सरकार द्वारा लगभग 638 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? सही जवाब है 8। किस मंत्रालय ने बीज उत्पादन गुणवत्ता की पहचान और प्रमाणन के मुद्दों को हल करने के लिए साथी नामक एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? सही जवाब है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। थावे महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हाल ही में किस राज्य के गोपालगंज में आयोजित किया गया? सही जवाब है बिहार। निम्नलिखित में से किस खतरे से निपटने के लिए सरकार ने नए पशु जन नियंत्रण नियमों को अधिसूचित किया है? सही जवाब है आवारा कुत्ते। हाल ही में भारत किस देश के साथ रक्षा संबंधों पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति कौन बनी है? सही जवाब है नीली बेंदापुड़ी। मिगुएल डियाज कैनेल को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? सही जवाब है क्यूबा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर रणधीर ठाकुर।